hijo, ja, ja, ja. कोई मंजर भरोसे के काबिल नहीं, कोई मंजर भरोसे के काबिल नहीं, मेरी आंखों का दुख और बढ़ जाएगा, लोग कुछ भी कहे और मैं चुप रहूं, लोग कुछ भी कहे और मैं चुप रहूं, ये सलीका जाने मुझे कब आएगा, ये सलीका जाने मुझे कब आएगा। देखो जो क्वेश्चन है ना वो इस टाइप का हो, क्वेश्चन 2x इंटू 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 4 dx। तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो क्या, क्योंकि अपन जानते हैं 10 इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 10 होता ना, तो इसका मतलब इसको पुट कर दिया मैंने t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स रेस टू पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर का भी क्या होगा डेरिवेटिव होगा तो ऊपर dt आ गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरे आ गया भैया, ये तो ये पूरे क्वेश्चन ही आ गया, बस ये नहीं आया तो इसको तो अपन ने पुट किया, तो इसका मतलब t और dt आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 मतलब 1 अपॉन 2, तो 10 इनवर्स x स्क्वायर की होल पावर कितना 2 प्लस c, इसका डेरिवेटिव कर देना वही आ जाएगा, इसका मतलब प्रूफ हो गया। तो कितना छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा क्वेश्चन था वो हो गया। अब देखो क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए, क्वेश्चन में बहुत सिंपल स्पेशली करा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तुम लोगों को आते भी है, मतलब आ जाएंगे देख देख के, और फिर उसके बाद टफ क्वेश्चनों पे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी अपन पढ़ेंगे, थोड़ा रुक तो जाओ यार, क्योंकि तुम्हें लोग थोड़ी हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं इंडिया में जिन्हें टीचर मिलते ही नहीं है गाँव में, तो कम से कम इन वीडियोज़ को देख के मेरी और किसी और के भी जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं उन्हें देख के थोड़ा बहुत सीख जाएंगे तो क्या दिक्कत है ना, इसलिए मुझे करने दो ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन, इसके बाद हार्ड क्वेश्चन होके आएंगे, ठीक है ना, मतलब स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनमें तो ये आते आते हैं, CBSE बोर्ड ने माना कि ये क्वेश्चन इस टाइप के छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर देखो अब देखो इसको मैं पुट करके देखता हूँ क्या आता है, ई रेस टू पावर एक्स इक्वल टू टी, तो e रेस टू पावर x का e रेस टू पावर x आएगा, और रूट x का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है ना, और डी एक्स इक्वल टू डी टी, बस ये 2 नहीं है तो 2 उधर पहुंचा देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा 2 ऊपर जाएगा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये है ना, ये वाला और ये वाला, ये कहाँ चले गए, कहाँ चले गए बता 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 कहाँ चले गए, डी टी में चले गए, तो क्या बचा कॉस टी बचा, इसका मतलब हो जाएगा कॉस टी और डी टी, इसका मतलब हो गया 2 साइन टी 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 ई रेस टू पावर रूट एक्स प्लस सी। ओके तो ये दो क्वेश्चन कितने सिंपल थे जो आप लोग समझ गए, और आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है ना, क्वेश्चन थोड़ा ऐसा आ जाए, एक और देखते जल्दी से अपन कैसा, देखो ऐसा आ जाए कि लिखा है वो कि साइन 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 का एंगल हो जाए 2 10 इनवर्स एक्स, 2 10 इनवर्स एक्स आ जाए, और डिवाइड में जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर जाए ऐसा, तो ये क्वेश्चन को कैसे करोगे, कुछ नहीं है भैया पुट कर दो 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो कितना जाएगा 2 छोड़ के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो 2 को तो ऊपर नीचे पहुंचा देंगे, इसका मतलब कितना हो गया, कितना हो गया 2 1 बाई 2 होगा मतलब है ना 1 बाई 2, और ये होगा साइन साइन टी साइन टी मतलब 1 बाई 2 माइनस कॉस टी
इसका मतलब कितना होगा माइनस वन अपॉन टू कॉस 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 टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो गया माइनस आएगा बस ध्यान रखना बस आ गया तो कोई मंजर भरोसे के काबिल नहीं मेरी आंखों का दुख और बढ़ जाएगा लोग कुछ भी कहे और मैं चुप रहूं ये सलीका जाने मुझे कब आएगा ये सलीका मुझे जाने कब आएगा ओम शांति 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 शांति, 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 शांति।